सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का। देखिए, एएनएम जेएनएम का फिर से मैं काउंसलिंग करके दिखा देता हूं थोड़ा। कारण ये है कि मैंने वीडियो डाला था 37 मिनट का, लाइव सेशन में सब कुछ आपको समझाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई साहब यहां पे मेरा वीडियो को यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया। तो फिर से मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता हूं, क्योंकि वहां पे पर्सनल डिटेल शो कर दिया था, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। मैं कल ही आपको बताया था, अगर एक थोड़ा पर्सनल डिटेल शो कर दूंगा ना तो डिलीट कर देगा वीडियो, और हुआ यूं ही। तो मैं कुछ कुछ चीज काट दूंगा, बता दूंगा वो कैसे करना है। पेमेंट तो कर लोगे और फिर से काउंसलिंग करना आपको दिखा देते, सिखा देते कैसे करना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आप जो है आप यहाँ पे जाइएगा, डायरेक्ट लिंक दे दिए हैं, टीएम एग्जाम गूगल पे आपको सर्च करना है, ये आपका टीएम एग्जाम खुल जाएगा। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। आप नीचे जाएंगे तो एएनएम जेएनएम का देखो यहाँ पे दिख रहा है काउंसलिंग, आप इसे क्लिक करो। ओके, हम इसे क्लिक कर दे रहे हैं और नीचे जाके इंपॉर्टेंट लिंक्स में जाइएंगे। बस यहाँ नीचे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेगा, ये देखो अप्लाई नाउ का अप्लाई ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ। ओके, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट लिंक आ जाएगा। यहाँ पे डेट वगैरह आप देख लीजिएगा, कब का डेट है, 22 तारीख तक लास्ट डेट है, एडिट करिएगा 23 तारीख को, और 25 तारीख को जो है पब्लिकेशन करेगा आपका सीट अलॉटमेंट लेटर कि कहाँ आपका हुआ है नहीं। और उसके पहले इसको आपको करना क्या है, देखो पेमेंट आ गया गूगल पे फॉर बिजनेस में। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करता हूँ। ओके, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप देखो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाएंगे तो नंबर आपको दिया हुआ है नीचे 8580393036, आप इसमें जो है पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये डिटेल डाल देता हूँ, मैं आपको दिखाने नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं पॉज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना डिटेल सारा डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो उनके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा क्या ओटीपी। हाँ सॉरी, देखिए लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो भेज दिया गया है। अब आपको करना क्या है, लॉगिन पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे अपना डिटेल डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लोगे आराम से, आपके पास डिटेल चल गया होगा, वो लॉगिन कर लोगे, है ना। तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ, मैं बेसिक डिटेल नहीं दिखा सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे बस अपना डिटेल डाल लेना और यहाँ पे ये देखो लॉगिन हो जाएगा। मैं क्लिक करूंगा, ये देखो लॉगिन हो गया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपना एक अपना क्वेश्चन कोड डालेंगे, विच इज फेवरेट टीचर, डाल दीजिएगा मेरा ही नाम और क्या टीएम एग्जाम है ना, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी चेंज, यहाँ पे अब यहाँ पे डिटेल आपको दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नाम वगैरह दिखेगा, यहाँ पे जो है पेमेंट कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा पेमेंट कीजिएगा, यहाँ पे अपना डिटेल वगैरह दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे सारा अपना डिटेल दिखेगा और यहाँ पे जो है अब जो है सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप इस जगह में पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट आप लोग खुद कर लेंगे यहाँ से। ओके, ये पेमेंट वाला स्किप कर देता हूँ मैं, ठीक है, पेमेंट वाला स्किप कर देता हूँ। ओके, तो फाइनली यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, अब हम कॉलेज को चूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, अब कॉलेज को चूज करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कॉलेज चूज करेंगे, देखिए कॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जेएनएम कोर्स चूज करेंगे, यहाँ पे जो है आपको छोड़ देना है, यहाँ पे आपका जितना गवर्नमेंट है गवर्नमेंट कीजिएगा, सेलेक्ट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डिटेल कॉलेज आ जाएगा। तो पहले में मान लीजिए मैं चूज कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट दे रहा था, पहले रिम्स चूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चूज कर रहा हूँ धनबाद, ठीक है, धनबाद चूज कर रहा हूँ, और तीसरा में चूज कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। चलिए, इस प्रकार आप कॉलेज जितना भी दे सकते हैं दे सकते हैं। अगर आप प्राइवेट देना चाहते हैं, यहाँ पे प्राइवेट का क्लिक करके देखिए, यहाँ पे प्राइवेट सारा है कॉलेज आ जाएगा, देखिए एक एक करके कॉलेज, यहाँ पूरा लिस्ट है, एकदम लंबा चौड़ा लिस्ट है, एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी है ना। तो मेरे केस में इतना है, मैं इतना भी देखता हूँ। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा लड़की से पूछ लेता हूँ कि सिक्वेंस चेंज करना है क्या, ठीक है ना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, मैं एक बार कॉल लगा लड़की पूछ लेता हूँ। ओके, आप लोग वेट कीजिए, मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। संजू बोल रहे कि गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए खाली? हाँ सर, प्राइवेट में डाल दीजिए। प्राइवेट प्राइवेट में डाले जेएनएम में? हाँ, तो गवर्नमेंट ये वाला है, हाँ तो डाल दिया। सुनो सुनो, रांची रिम्स पहला डाल दिया, दूसरा धनबाद और उसके बाद जमशेदपुर, और प्राइवेट भी डाले। अच्छा,
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चीज है यहाँ पर, ये आप जो है देखिए एक फ्लोरेंसन जो है एक प्राइवेट कॉलेज भी चूज किए हैं। इस प्रकार आप बहुत सारे कॉलेज को जो चूज कर सकते हैं। ऊपर में देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि रांची में देखिए इतने सारे कॉलेजेस हैं जो आप चूज कर सकते हैं आपके अनुसार। तो जितना भी देना है आप अपना दे दीजिएगा, है ना, आपका जितने भी मन, अगर आपको चाहिए प्राइवेट में भी लेना तो दे दीजिएगा, हालांकि 3 गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे चेंज करना चाहिए प्रेफरेंस तो आप क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, वरना अगर रहने दीजिएगा तो रहने दीजिएगा। ओके, और सेव नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। यहाँ आपका डिटेल दिखेगा, ओके, अपना नंबर वगैरह जो भी है दिखेगा, अपना रैंक 76 कैटेगरी, नीचे जाइएगा कॉलेज दिखेगा, यहाँ पे टिक करना है। ओके, और एक बार लॉक कर दिया जाए फॉर्म को तो दोबारा नहीं, मैं लड़की को कन्फर्म कर लेता हूँ एक बार। हाँ, लॉक कर दूँ या और कॉलेज देना है? लॉक कर दीजिए। तो फाइनली यहाँ पे लॉक हो गया है और ये खत्म। चलो आप प्रिंट आउट ले लेते हैं और बस यहाँ पे ठीक है जी।